जगदीशपुर में वार्ड सदस्यों के एक दिवसीय धरना का हुआ आयोजन। वार्ड सदस्य महासंघ के आह्वान पर जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रखंड के 20 पंचायतों के वार्ड सदस्यों की उपस्थिति वाले इस धरने की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह व संचालन शिव सागर कुशवाहा ने किया। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना राशन कार्ड बनाने में बिचौलियों की चांदी कट रही है। भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों व कर्मियों पर वार्ड संघ की पैनी नजर है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रूपए करने, विधायक सांसद के तर्ज पर वार्ड सदस्यों का मानदेय भत्ता 15,000 करने, आजीवन पेंशन लागू किए जाने की मांग की। धरना के पश्चात संघ की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी को 9 सूत्री मांगों से जुड़े मांग पत्र सौंपा गया। धरना में राहुल कुमार सिंह, धनजी यादव, महेश चौधरी, आरती देवी, रिंकू देवी, सुनैना देवी, कमलेश कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार सिंह, हरेखन कुमार, उपमुखिया सुशील कुमार सिंह, दिवाकर यादव, बुद्धन राम, इंदु देवी, राजवंती देवी, देवंती देवी, ज्योति देवी, चंद्रवती देवी, लक्ष्मीना देवी, राजीव रंजन गिरी, अयूब खान, उपमुखिया मंगलेश्वर सिंह समेत अन्य वार्ड सदस्य शामिल रहे। 28 फरवरी है, आज आगामी धरना दिए हैं हम लोगों का 9 सूत्री मांग पारित किया गया है। BDO साहब को भी दिया गया। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग जो 500 रुपया पे खटते हैं, मानदेय भत्ता 15,000 हो और आजीवन पेंशन हो। और जो जगदीशपुर में मुख्य हम लोगों का धरना का मकसद है कि जो आवास योजना सूची में नाम कटा हुआ है उसको BDO साहब बताएं कि किस कारण कटा हुआ है। अगर कोई कारण है तो हमको बताएं, नहीं तो उन लोगों को जोड़ना चाहिए। और मुख्यमंत्री आवास योजना की जो सूची में नाम दर्ज हो रही है उसमें सत्यापन करने का वार्ड सदस्यों को दिया जाए। परिचय बताइए। जी, मैं नरेंद्र प्रताप सिंह, वार्ड संघ अध्यक्ष जगदीशपुर। भोजपुर न्यूज के लिए जगदीशपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।